महादेव महादेव। मुझे आने की जरूरत तो नहीं है उधर? ना ना ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अरे भैया को होगी सजा, ठीक सच में? ओ वाह, भाभी को जाएगा जेल? देखो 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 देखो, मुंह से तो वाह क्या हंसी निकल रही है। ले अपना भाई जा रहा है जेल और इसको हंसी निकल रही है। ले भाई बच गया केस होने से। तमन बोला है ला पुलिस स्टेशन फोन। ठीक है, उनी करूं गेलो ते। हां जी ना पसी जिन होई जो काय आग पूछे रो ताई कालो कालो लगन। हां सु करे से तू एम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए प्यारे व्लॉग में। तो भाई आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मतलब मैं रतनपुर कारड़ी मेरी नानी के घर पे था, लेकिन अब मैं मतलब हमारे नाना की थोड़ी तबीयत ना थोड़ी वीक रहती है, तो मुझे ना ब्लॉग शूट करने का मन नहीं होता। तो भाई मैं मतलब कल ही आया था और मुझे आज वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी आपने वीडियो में देखा कि मैं सफ़ेद कद्दू देने गया था, आज फिर देने जाना। क्यों? क्योंकि भाई मैंने देखा कि जब से हमने सफ़ेद कद्दू का मतलब जूस देना शुरू किया मेरे नाना को, उनकी हेल्थ मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो वीक हो गया था, वो थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो उसी तरह मतलब फिर से हम देने चले गए, मतलब ये नहीं आ रही, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो गाइस ये दो दिनों में मतलब बहुत कुछ बदल चुका है। मतलब मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट भी हो चुका है ना कि मुझे पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन आ चुके हैं, वो भी दो बार। मतलब सीन ये हुआ था, बता दो स्टोरी, फिर ये मत कहना बोर के दिया, लेकिन बता ही देता, चलो ना आप मेरी फैमिली। तो भाई इसमें सीन ये हुआ था कि मतलब मैंने ना एक एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें 108 को फ़ोन किया था, मतलब एम्बुलेंस को बुलाई थी। तो वहाँ पे इंक्वायरी के लिए ना एक नंबर चाहिए उनको, कि मतलब आफ्टर द मतलब जो भी ट्रीटमेंट होने के बाद वो जब पेशेंट घर पे जाता है तो उसकी कंडीशन कैसी है, वो सब पूछने के पुलिस से फ़ोन आता है। तो मैंने ना मतलब उन लोगों के पास शायद नंबर नहीं होगा या पता नहीं क्या था, तो उन लोगों ने मेरा नंबर डाल दिया जहाँ से मतलब मैंने फ़ोन किया था। तो अगर उनके पास कोई नंबर नहीं लिखा था तो वो मेरे नंबर पे फ़ोन करते कि भाई पेशेंट कैसा है, उसकी कंडीशन क्या है। तो भाई मतलब दो दिन पहले मेरे को फ़ोन आया था और पुलिस के आया था, तो पहले तो मैं नर्वस हो गया था, फिर मैंने कहा कि सर जी मेरा ऐसा ऐसा सीन हुआ था। तो वो कह रहे तो क्या आप जानते हो उस पेशेंट, मतलब वो जो बाइक के लिए गिरा था। मैंने कहा यार मैं कहाँ से जानता होगा, मैंने तो सिर्फ हेल्प की थी। फिर भी पुलिस स्टेशन ने मतलब मुझे कहा कि अगर आप आजू बाजू कॉन्टेक्ट करो, शायद वो उसी मतलब आस पास के ही गाँव का था, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप कॉल कीजिए आपके कोई फ्रेंड को जो जानता हो, तो आप एक बार इंक्वायरी करवा लीजिए अपने आप के, मतलब वो कैसा है, फिर हमको बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अभी मतलब एक फ्रेंड है मेरा सुनील नाम का, तो उसको राजपुर फ़ोन किया था कि भाई तू एक काम कर, ये बंदे को सर्च कर, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, तो वो फाइंड करके वो मुझे बताएगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो वो शाम तक लगता है मेरे को बता ही दिया होगा उसने, तो उसने मुझे अगले दिन बताया था कि उसकी कंडीशन अच्छी है। तो शायद आज टाइम मिला तो पुलिस स्टेशन भी जाना है मेरे को वो बताने के भाई वो ठीक है सब चीज़ चंगा बंगा। हेलो। हाँ बोलो। આપણે કાલે પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલો। હાઉ હા આપણે તમે સર અઠવાડિયા પહેલા મને ફોન કરેલો ને, પેલું એક્સિડન્ટ થયેલું રાજપુર આગળ, પેલું ચૌહાણ હરદીપસિંહ વાળો કઈ જગ્યાએ થયેલી? હે કઈ જગ્યાએ થયેલી? આપણે પેલું રાજપુર આગળ થયેલું ને, આપણે સંસોરી રોડ પર હતું થયું, બાઇક સ્લીપ મારી ગયેલી સ્પ્લેન્ડર। હા હા તમે ફોન કરેલો કે પેલા પૂછી છે કે આપણે પેલું આપણે પેલો જે બાઇક લઈને પડેલો ને કેવું હતું ને કેવું નહીં, તો એના વચ્ચે ઘેર ગયેલો, તેને થોડું સારું છે, કન્ડિશન સારી છે પહેલા કરતા એમ, એટલે મેં કીધું અહીં ગોધરા મેં આવ્યા છું, તો મેં કીધું કદાચ પોલીસ સ્ટેશનમાં કદાચ માર આવવાનું હોય એમ, કઈ મેં તો પૂછી લઉં સર ને એમ, મેં કીધું કઈ હા કઈ નહીં, પછી જે તો જાતે જ પડી ગયેલો। હા હા બધું સારું છે સર એમ, તો તો વાંધો નહીં, આ તો અમે જોડે કોઈ એક્સિડન્ટ થયા કરી અચ્છા અચ્છા ઠીક હૈ, કોઈ ના કોઈ ના, મુજે આને કી જરૂરત તો નહીં ઉધર? ના ના ઠીક હૈ સર, થેન્ક યુ સર। ઓકે સારું હા, અબ તુમ્હારે ભૈયા કો હોગી સજા। देखो 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 देखो, मुंह से तो वाह क्या हंसी निकल रही है। ले अपना भाई जा रहा है जेल और इसको हंसी निकल रही है। ले
તમને બોલાયલા પોલીસ સ્ટેશન ફોન આવ્યો એવું નહીં કરું ગયેલો તે હા જી ના પછી જીન હોય જો કઈ આગળ પૂછેલો તે गुड आफ्टरनून। अब हमारा मतलब विदाई लेने का समय हो चुका है खुशी के घर से। खुशी टाटा बोल दे। तो भाई मैं कंडीशन हमारे घर की सुनाता हूँ। खुशी का ये है, उसको चाहिए आईफोन। मैं कह रहा हूँ अगर तेरे को आईफोन चाहिए तो टेंथ में अच्छे परसेंटेज से पास होके दिखा। अगर तुझे आईफोन चाहिए तो अच्छे मार्क्स से पास होना पड़ेगा मेरी जान। मुझे एक बात बता, मैं तो आशा करता हूँ तेरे अच्छे आए परसेंटेज की टेंथ एग्जाम। लेकिन भाई उसका ऐसा काम करो, ठीक है, मुंह कौवा जैसा मत करो, ठीक है। पकौड़ी खिलाई उसका ये इल्जाम। अब आओ खिलाते हम पकौड़ी, अब आओ। चलो कोई ना, ये तो छोड़ो, ये तो अब वो अपने आप देख लेगी। लेकिन भाई अब हमारा फाइनली मतलब बाय बाय हो चुका है, मतलब यहाँ से निकलेगा तो अब जाएगी सीधे अपने नानी के घर पे। क्योंकि ये कद्दू भी तो देने हैं अपने को, ये कद्दू मतलब 20 किलो के कद्दू है, 20 किलो के कद्दू तो ये भी देने हैं, तो ये भी देना।